हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवर्धन तनगोड़िया और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जहां पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। सो अगर आप ऐसे किसी भी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। भैया, जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 6 होमोजीनियस काची आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम फिनिश कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 आपका साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल नया चैप्टर है, पीछे से बहुत अलग है, बहुत मज़ा आने वाला, देखिएगा। तो मैं आपको बता दूं भैया, चैप्टर नंबर 7 जो आपका है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें आपको करना क्या होगा, उसमें भैया आपको दो तरह से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए करेगी। इस टाइप से f1dx + f2dy = 5t, f1dx + 5 2 dy = 5 2t। इस टाइप में क्या हुआ करेगा, आपको इस टाइप से दो इक्वेशन दी जाएंगी जिसमें आपको क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की अलग अलग। ओडी पीडी का इसमें यूज़ होगा, ओडी का जो आप पीछे पढ़ के आए हो उसमें प्रीवियस मेथड्स आपके अप्लाई होंगे। तो चलिए बिना देर किए इसके डिजाइन को समझ लेते हैं। इसको करने का तरीका बहुत अलग कराऊंगा आपकी बुक में, जबकि बुक है भैया उसमें बहुत ही जटिल तरीका दिया गया है इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करने का। मैं आपको एक बहुत ही ईजी तरीका बताऊंगा डिटर्मिनेंट्स की सहायता से इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो आइए फटाफट से इसके मेथड को समझ लेते हैं। आपको इस टाइप से कोई दो डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएंगी, है ना। इसकी मुख्य पहचान यही है, पहचान लेगी कि इसमें दो इक्वेशन दी जाएंगी बस, आपको टी के उसमें मसाला आएगा, उसमें टी के बराबर दी जाएंगी, उसमें टी का मसाला उसमें इन्वॉल्व होगा, वो इक्वेशन दो होंगी। सबसे बड़ी पहचान इसकी ये है, इसको पहचानने की आपकी दो इक्वेशन होंगी उसमें टी के मसाले इन्वॉल्व होंगे। उसमें आपको सॉल्व क्या करना, देखिए सबसे पहला काम आपको निकालनी है एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे करोगे, बहुत सिंपल तरीका है। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी मैं ओनली बता रहा हूँ, केवल वैसे समझ लो उसका कैसे यूज़ होगा, कहाँ होगा, क्वेश्चन में करोगे बखूबी समझ में आ जाएगा, ठीक। मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दी जाएगी, आप सबसे पहले डेल्टा की वैल्यू निकालोगे। मान लीजिए इस टाइप से निकाल लोगे आप, डेल्टा कैसे बनाओगे, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको इस टाइप में दी है ax + by = c, यहाँ पे दिया हुआ है आपको cx + यहाँ पे कुछ भी मान लो 5 मान लो, यहाँ पे दिया गया आपको cx + c2y = 5 2। तो इस टाइप में आप इसका डेल्टा कैसे निकालोगे, सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, इसका डेल्टा निकालने के लिए यहाँ पे जो कोफिशियंट होंगे ना उसको लिख लेंगे आप सेम टू सेम c1 c2। उसके बाद आपको भैया सारिक सॉल्व करना आता है, आप इसका सारिक सॉल्व कर दोगे उसके बाद आपका डेल्टा आ जाएगा। यानी कि पहला काम आपका ये है कि आपको डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। अभी बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, जो मैं बता रहा हूँ केवल उसको एब्जॉर्ब करो बस, बिल्कुल दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना मैं करा रहा हूँ बस उसको एब्जॉर्ब करो। अभी क्वेश्चन में कैसे कहाँ यूज़ होगा बस वो अभी समझ में आएगा, फुल एचडी क्वालिटी में ब्लड में घुल जाएगा। अभी केवल इसकी रूपरेखा मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिए, ठीक। देखिएगा इस टाइप से आपको निकालना है सारिक, उसके बाद आप वैल्यू फाइंड करोगे भैया डेल्टा एक्स की, उसके बाद आप वैल्यू निकालोगे डेल्टा वाई की। देखो कुछ नहीं करेंगे, डेल्टा एक्स क्या है, बहुत सिंपल है। देखिए डेल्टा एक्स क्या है, जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे बराबर में आपको मसाला दिया जाएगा, ध्यान से सुनिए, रिपीट, बराबर मसाला दिया जाएगा। आप इस मसाले को इससे एक्सचेंज करोगे डेल्टा एक्स वाले साड़े में। आई रिपीट, बराबर में आपको जो मसाला दिया जाएगा टीम है, कुछ भी दे सकता है, आप क्या करोगे, जो आपने डेल्टा निकाला है आपको पता है डेल्टा क्या होता है, डेल्टा कुछ नहीं होता है, जो आपको इक्वेशन दी जाएंगी दो इक्वेशन उसमें जो कोफिशियंट होंगे वो डेल्टा में रखे जाते हैं इस तरह, है ना। उसके बाद उसके बराबर में कुछ ना कुछ दिया होगा, आप देख रहे आप चेक करके बुक में, तो आप डेल्टा की वैल्यू तो निकाल लोगे आराम से, सामने वाले से बोलना नहीं है, इसमें जो कोफिशियंट होंगे ओनली उनको सजाना है, उसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है। उसके बाद अगर बात करूँ मैं डेल्टा एक्स निकालने की, क्यों निकालना है, कैसे निकालना है, सब समझ में आएगा, केवल बस अभी इसका एब्जर्वन करो, माइंड बिल्कुल खाली होना चाहिए। इस टाइम पर कुछ मत सोचना, केवल मैं जो नया सिखा रहा हूँ वो सीखने का प्रयास करो, है ना, कुछ मत सोचो, केवल माइंड खाली। क्या करेंगे डेल्टा एक्स निकालेंगे, तो जो डिटर्मिनेंट आपको दिख रहा है ना डेल्टा वाला, बस इसमें पहले वाले की जगह ये मसाले रखे जाएंगे 5 1 5 2, उसका सिंपली डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, समझ गए। इस तरह से आपको डेल्टा एक्स निकालना है। बात करूँ मैं डेल्टा वाई की, डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, जस्ट इसका उल्टा, इसमें आपने इस वाले मसाले को फर्स्ट वाले में घुसा है, अब इसमें क्या करोगे, फर्स्ट वाला सेम रहेगा, दूसरे वाले में ये 5 1 5 2 सामने वाले जो मसाले होंगे इसमें घुस जाएंगे, समझ में आ गया होगा। आई रिपीट, बस इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, फिर इन दोनों इन तीनों मसालों की सहायता से आप कैसे निकालोगे एक्स और वाई की वैल्यू, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं। देखिए साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, आपको दो इक्वेशंस दी जाएंगी, है ना, दो इक्वेशन दी जाएंगी, उसमें दो इक्वेशन आपके स्टेप की होंगी। सबसे पहली इसकी मुख्य पहचान यही है, आप एग्जाम में अगर आ गया आप इसको ऐसे पहचानोगे कि आपको दो ही इक्वेशन दी जाएंगी, वो भी उसमें आधा मसाला टी का इन्वॉल्व होगा, आधा सिंपल होगा। तो इसको सबसे पहले पहचानने की पहचान यही है कि अगर पेपर में ये आ जाता है तो सबसे पहले माइंड ट्रिगर करेगा कि भैया इसमें दो इक्वेशन दी जाएंगी इजिकल टू में टी का मसाला हो सकता है। तो वही मैंने मेथड बताया आपको, सेम टू सेम ऐसे ही लगाना है, ठीक, समझे होगी। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो फुल एचडी क्वालिटी में क्लियर हो जाएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा कैसे निकालेंगे, जो इक्वेशंस आपको दी होगी उसमें आपके जो कॉन्स्टेंट टर्म होंगे इस राइट हैंड साइड पर नहीं छोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड वाले कॉन्स्टेंट टर्म को यहाँ लिख लेंगे इस तरह से, उसके बाद सिंपली उसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे।
उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी डेल्टा एक्स की, वो कैसे निकालेंगे। जो हमारा डेल्टा होगा उसमें फर्स्ट वाले कॉलम को बराबर में जो मसाला होगा उससे रिप्लेस कर देंगे, तो आपका डेल्टा एक्स निकल आएगा। फिर डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे, जो राइट हैंड साइड पर आपका जो मसाला होगा उसको हम दूसरे वाले कॉलम से रिप्लेस कर देंगे, तो आपका डेल्टा वाई निकल आएगा। अब इन दोनों की सहायता से किस तरह से निकालोगे एक्स और वाई की वैल्यू, चलिए समझ लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। देखिएगा पहला क्वेश्चन, देखिए भाई आपकी बुक का पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, पहला एग्जाम्पल मैं आपका ले रहा हूँ। बुक की टेंशन मत करना, इसके जो भी क्वेश्चन है आपको व्हाट्सएप में पिक सेंड कर दूंगा, आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने जो नहीं आए आप मुझसे वो प्राइवेटली पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भैया बॉयज़ के लिए ग्रुप अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखिएगा देखिएगा आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही ईजी है। देखिए क्या करेंगे, ठंडा दिमाग रिलैक्सेशन माइंड। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को देखा, यहाँ पर भैया कन्फ्यूजन के चांस बहुत ज़्यादा हैं। आपको पेपर में कैसे पता लगेगा भैया ये क्वेश्चन काय का है, ये साइमल्टेनियस काय के ओडी का है? आपका माइंड भागेगा फर्स्ट ऑर्डर की तरफ, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर देखो ऑर्डर बने हैं, तो आपका माइंड कहेगा नहीं ये ऑर्डरनरी थोड़ा ही है, फर्स्ट चैप्टर से कर दो सेपरेट करके, नहीं गलत हो जाएगा। ध्यान रखना भैया ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ऑब्जर्वेशन आपको प्रैक्टिस से आएगी। इसके ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो साफ साफ दिख रहा है एक क्वेश्चन में दो इक्वेशन इन्वॉल्व हैं, आधे मसाले टीके हैं, तो वहीं से समझ जाएंगे भैया ये आपके साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है होगा। ठीक, देखो पहला काम क्या करेंगे, देखिएगा मेरा पहला काम ध्यान से सुनिए, हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी है और हमें डेल्टा एक्स की निकालनी है और डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल नया करा रहा हूँ, कोई भी इसमें पीछे से लेने देना नहीं है, पीछे वाले मेथड्स की जरूरत आगे पड़ेगी। ठीक, सबसे पहला काम मेरा फर्स्ट स्टेप ये रहेगा, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमेशा आप ध्यान रखना, पुट करेंगे डी ओवर डी टी बराबर कैपिटल डी। आई रिपीट, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, डी ओवर डी टी बराबर कैपिटल डी पुट करेंगे। आपकी बुक से मेथड अलग होगा लेकिन आंसर सटीक आएगा, आपकी बुक का मेथड बहुत ज़्यादा जटिल है, इसलिए मैं आपके लिए बहुत जोरदार मेथड लेकर के आया हूँ। ठीक, ऐसा करने के बाद फिर आपको क्या करना है, जरा गौर से समझना, ये किसी बुक में नहीं लिखा है। फिर भैया आपको दोनों क्वेश्चन में आपको कोष्टक बनाने हैं कुछ इस टाइप से, यानी कि पहली क्वेश्चन में कोष्टक आगे बने तो दूसरी में कोष्टक पीछे बने, या पहली में पीछे बने और दूसरी में आगे बने। ये ध्यान रखना, अगर ये कोष्टक गलत हो गए तो सारा सवाल गलत हो जाएगा, इसी जे ही जाना है, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा। ध्यान रखना जब डी ओवर डी टी आप पुट कर दोगे उसके बाद जब कोष्टक बनाओगे आप, तो ध्यान रखना कोष्टक हमेशा इस टाइप से आएंगे, अगर एक आगे दूसरा पीछे, अगर दूसरा पीछे तो एक आगे, कभी भी ऐसे करके कोष्टक ना बना देना। ये कोष्टक कैसे बनते हैं क्या है आइए समझते हैं। देखिएगा सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें डी ओ डी टी बराबर मैंने यहाँ पर कैपिटल डी पुट कर दिया, यहाँ पर मुझे मिला डी एक्स प्लस का टू एक्स माइनस का थ्री वाई इज इक्वल टू टी डी वाई माइनस का थ्री एक्स प्लस का टू वाई इज इक्वल टू की पावर टू टी। अब देखो कोष्टक बनाने के लिए क्या करो, देखो आपको दिख गया होगा यहाँ से x कॉमन आएगा तो d प्लस का 2x आ गया माइनस का 3y बराबर d, यहाँ से आप कहोगे भैया यहाँ से y कॉमन आ रहा है, यहाँ पे मुझे मिल गया कितना d प्लस का 2y माइनस का 3x बराबर e की पावर 2t। आपको लगेगा भैया आपने बिल्कुल सही किया लेकिन आपने गलत कर दिया, मैंने क्या कहा था कोष्टक कभी भी एक दूसरे के नीचे नहीं आए, कोष्टक अगर एक यहाँ आ रहा था दूसरी क्वेश्चन में कोष्टक यहाँ आना चाहिए, यानी कि इसको आगे लिखेंगे इसको पीछे लिखेंगे, ये बहुत सटीक बारीक की बात है। ठीक, याद रखेंगे हमेशा कोष्टक कभी भी एक नीचे के नीचे नहीं आएंगे, हमेशा इधर उधर रहेंगे। ठीक, ध्यान रखना इस बात का बहुत ज़्यादा। माइनस का 3x को हम आगे लेंगे, यहाँ से हमने d प्लस का 2 मैंने कर दिया, इसमें y आ गया बराबर में कितना आ गया e की पावर 2t, यानी कि ये दो क्वेश्चन आपके निकल के आ गए, इनको क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 मान लेंगे। अब हमारा यहाँ से मेन काम शुरू होता है डेल्टा का, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं हम डेल्टा का वैल्यू, है ना। मैंने क्या कहा था डेल्टा का वैल्यू के लिए, हमेशा याद रखेंगे जो इक्वेशन आपको दी होगी उसके कॉन्स्टेंट से टर्म, उसके जो कोफिशियंट होंगे एक्स और वाई के जो कोफिशियंट होंगे उनका हम काम करेंगे केवल, राइट हैंड से हमें कोई मतलब नहीं है डेल्टा में। ठीक, तो यहाँ पे क्या है डी प्लस टू लिख लिया मैंने सेम टू सेम, है ना, ये कॉन्स्टेंट है एक्स का, यहाँ पे है माइनस का थ्री, यहाँ पे है माइनस का थ्री, यहाँ पे है डी प्लस का टू, कुछ नहीं करेंगे इसका, सिंपली इसका डिटर्मिनेंट खोल दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा बराबर ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का टू डी, देखिए 339 हो जाएगा प्लस करके माइनस का फिर दोबारा से हो जाएगा माइनस का 9, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखिएगा डी स्क्वायर प्लस का 4d और माइनस का 5। डेल्टा की वैल्यू आपकी ये आ चुकी है, डेल्टा एक्स की नहीं है सॉरी, ये केवल का की वैल्यू है, डेल्टा की है, सेम टू सेम आपको भी यही करना है। उसके बाद हम फाइंड करेंगे डेल्टा एक्स की वैल्यू, आपको याद होगा मैंने क्या कहा था डेल्टा एक्स की वैल्यू के लिए इस वाले डायगोनल को इससे रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, समझ रहे हो, और डेल्टा वाई के लिए क्या करेंगे पीछे वाले मसाले को इससे रिप्लेस कर देंगे बस। फिर देखो क्या मज़ा आएगा, देखो अभी रिप्लेस ना करूँ ठीक है, इससे तो मैं मतलब है नहीं, इन दोनों क्वेश्चन से इसको मैं रेस कर रहा हूँ। देखिए अब मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू, ठीक, डेल्टा एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, मैंने भी क्या कहा था इस मसाले को इस डायगोनल से रिप्लेस करना है, यहाँ पे आएगा टी e की पावर 2t, पीछे वाला सेम रहेगा माइनस का 3 और d प्लस का
टू, इसका फटाफट से डिटरमिनेंट खोल दीजिए। यहाँ पे आएगा डी टी प्लस का टू टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का थ्री ई की पावर टू टी, है ना। इसको देखिए गौर से, यहाँ पे आपको पता होगा यहाँ पे डी डी क्या होता है, डी ओवर डी एक्स को डी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं टी का डेरिवेटिव करूँगा तो यहाँ पे वन आ जाएगा, है ना, क्या आएगा, वन आएगा, प्लस का टू टी प्लस का थ्री की पावर टू टी। यहाँ तक कहानी सही है, ये आपकी क्या की वैल्यू आ गई, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई। अब लास्ट टाइम वैल्यू निकालनी है और डेल्टा वाई की, यहाँ पर जगह नहीं बची है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू तुम पे आ चुकी है ना, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। यहाँ से मैं डेल्टा वाई की वैल्यू निकालूंगा, बिल्कुल मत सोचो, जो मैं मेथड बता रहा हूँ वही इसके लिए बिल्कुल अच्छा मेथड है, रिक्वायर्ड मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। डेल्टा वाई की वैल्यू की मैं बात करूँगा तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पिछली बार हमने क्या किया था, इसको रिप्लेस किया था इससे, अब हम इसको रिप्लेस करेंगे इससे, इसको पुनः वापस ऐसा का ऐसा कर देंगे। यहाँ पे कितना आएगा देखिएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी प्लस का टू माइनस का थ्री और यहाँ पे आएगा टी ई की पावर टू टी, है ना। उसके बाद डेल्टा की वैल्यू को साइड रखते हैं, डेल्टा की वैल्यू को उठा के मैं यहाँ रख लेता हूँ, है ना, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। डेल्टा इज इक्वल टू डी स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर प्लस का फोर डी माइनस का फाइव, ठीक है, यहाँ पर खानी ठीक है। यहाँ डेल्टा एक्स की वैल्यू ये निकल चुकी है, डेल्टा मैंने यहाँ लिख दिया, डेल्टा मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से डेल्टा वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी है, डेल्टा वाई बराबर आपकी वैल्यू आई डी ई की पावर टू टी प्लस का टू ई की पावर टू टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का आ जाएगा कितना, थ्री डी। देखिए फिर दोबारा वही बात बननी है, यहाँ पे डी यानी कि डिफरेंशियल कर दीजिए इसका, ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स, लेकिन हमने इसको एक्स मान के यहाँ पे टू और आएगा, प्लस का टू की पावर टू टी प्लस का थ्री डी। भैया ये आपका क्या की वैल्यू आ गया आपकी, डेल्टा वाई की। अब यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है, अब हम यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट कंडीशन हमेशा याद रखना, पहले क्या कर रहा हूँ मैं, डेल्टा डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई इनको अच्छे से संभाल के लिख रहा हूँ, इस सबको एक्स्ट्रा मसाले को मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, ठीक। पेपर में भी आपको यही करना है, माइनस का फाइव, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आई है, वन प्लस का टू टी, है ना, प्लस का थ्री ए की पावर टू टी। डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आई है, टू ए की पावर टू टी प्लस का टू ए की पावर टू टी, है ना, इसको मैं ऐड कर दूँ, टू टू या फोर हो जाएगा, टू टू फोर कर देते हैं इसको, है ना, टू ए की पावर टू टी, टू ए की पावर टू टी मैंने कर दिया, ये फोर ई की पावर टू टी प्लस का थ्री टी, बस इसको रफ कर दो, इनका कोई रोल नहीं है। जो मेन काम था हमने वो फाइंड आउट कर लिया है ना। देखिए उसके बाद अब क्या करेंगे, उसके बाद हमें एक्स का वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा उठाओ पहले, वैल्यू क्या का चाहिए हमें, एक्स का, डेल्टा मोड़ा करेंगे एक्स का, बराबर रखेंगे डेल्टा एक्स वाले मसाले के। आई रिपीट, वैल्यू चाहिए हमें कहेगा, मैंने क्या कहा था, जो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं भैया उसमें आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, बस हर एक क्वेश्चन में बस उसको निकालेंगे, कई मेथड्स हैं, ये मेरा मेथड है, बहुत ईजी है। देखो हमें क्या की वैल्यू चाहिए, पहले हम निकालना है एक्स की वैल्यू, तो डेल्टा में गुणा करेंगे एक्स का, बराबर क्या रखेंगे डेल्टा एक्स के। अब मैं आपसे पूछूंगा मुझे निकालनी है वाई की वैल्यू, क्या करेंगे बोलो, डेल्टा में गुणा करेंगे वाई का, बराबर क्या रखेंगे डेल्टा वाई के। फीलिंग आई, समझ गए, ठीक। तो वही मैं करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डेल्टा में एक्स का गुणा में कर रहा हूँ, तो मैंने लोग कर दिया डी स्क्वायर प्लस का फोर डी माइनस का फाइव, मैंने एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर मैंने रखा डेल्टा एक्स, वन प्लस का टू टी प्लस का थ्री की पावर टू टी। अब मुझसे कह दो कि आपको फीलिंग आने लगी चैप्टर फाइव की, अरे भैया फीलिंग नहीं आई, इसका आप पी आई या सी एफ नहीं निकाल पाओगे, हो गया काम फिनिश, इतनी मेहनत करनी थी हमने कर ली, नया बस वही था, अब मेरे को कर लोगे जा, हाल कर दोगे तुरंत, क्या करेंगे, मेरे को सबसे दिख गया होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट सी एफ और पी आई है, निकाल दो फटाफट से, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। जो है फीलिंग आ रही कि नहीं इस बात पर, लाइक ठोक दो फटाफट से, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करेंगे, डी रिप्लेसमेंट बाई एम कर दीजिए, एम स्क्वायर प्लस का फोर एम माइनस का फाइव बराबर जीरो, रूट्स निकालना है पहले हमें ना, कितना आएगा यहाँ पर देखिएगा, है ना, तो कुछ इस तरह से इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, माइनस का फाइव बराबर जीरो, फटाफट से इसके वैल्यू निकाल लो, एम कॉमन लिया मैंने, एम प्लस का फाइव माइनस वन मैंने कॉमन लिया, एम प्लस का फाइव आपके रूट्स आए, एम बराबर वन कॉमा माइनस का फाइव, है ना। और बराबर से इसका बराबर से सी एफ निकाल लेते हैं, देखिए सी एफ कितना आएगा, इसका सी एफ आएगा आपका सी वन ए की पावर एक्स प्लस सी टू की पावर माइनस का फाइव एक्स। अब मैं बात करूँ पी आई की, तो देखो पी आई इसका आराम से निकाल लोगे, अलग अलग भाग करके निकालेंगे, थोड़ा लॉन्ग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर में आता पेपर में भैया, ठीक है, उसको मैं रफ कर रहा हूँ, सी एफ हमारा आ चुका है ना, इसका कोई रोल नहीं है, जगह थोड़ी कम पड़ जाती है इसलिए मुझे रफ करना पड़ता है, सी एफ को साइड से लिख देते हैं, है ना, क्या लिख रहा है, सी वन ए की पावर एक्स प्लस सी टू ए की पावर माइनस का फाइव एक्स, आपको क्लियर तो हो रहा है ना, मुझे यस करके संबोधित करते रहिए। देखिए अब मैं निकालूंगा इसका क्या पी आई, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जरा गौर से देखना, पहले मैं बन के नीचे ले रहा हूँ सारे मसाले को, डी स्क्वायर प्लस का फोर डी माइनस का फाइव,
इकट्ठा निकलेगा देखना अभी, टू टी वन प्लस टू टी इकट्ठा ले लो, सौ इकट्ठा ले लो, चलो वन प्लस टू टी आपको दिख गया होगा ये एलजेब्रिक है, इस दोनों का इकट्ठा निकलेगा एलजेब्रिक से, तो वन प्लस का टू टी अपॉन डी स्क्वायर प्लस का फोर डी माइनस का फाइव, और थ्री की पावर टू टी इसका अलग निकालते हैं, नीचे आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस का फोर डी माइनस का फाइव। आई रिपीट, आपको पता होगा हम एलजेब्रिक वाले को कैसे करते थे, नीचे वाला जो फंक्शन ऑफ डी है उसकी शक्ल हमें फार्मूले से मैच करानी है, हमारे पास जो अवेलेबल फार्मूले हैं या तो इससे मैच हो या इससे मैच हो, है ना, हमारे पास ये दो फार्मूलाज हैं, हमें इसकी शक्ल इन दोनों फार्मूले किसी एक से मैच करानी है, करा दीजिए। मैं क्या करूँ इसमें से माइनस का फाइव में कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन ले लिया है ना, अंदर क्या मुझे मिलेगा वन प्लस का टू टी, नीचे मुझे मिलेगा वन माइनस का डी स्क्वायर प्लस का फोर डी अपॉन फाइव। अगर मैं इस पूरे को डी कह दूँ तो इसकी शक्ल इससे मैच हो रही है, फटाफट से इसका इन्वर्स लगा के एक्सप्रेशन खोल दो, काम खत्म, वन अपॉन फाइव यहाँ पे आ जाएगा। देखिए डायरेक्ट इसका एक्सप्रेशन में खोल रहा हूँ, ये ऊपर जाएगा वन माइनस इसका एक्सपेंशन बनेगा, एक टर्म तो खोलूंगा वन प्लस का डी स्क्वायर अपॉन फाइव प्लस का फोर डी अपॉन फाइव, बाहर आएगा आपका वन प्लस का टू टी, है ना। इसको देख लेते हैं फटाफट से, देखिएगा इसमें क्या करेंगे, सिंपल साइज तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, डायरेक्ट डी बराबर टू पुट कर देते हैं, यहाँ पे कितना आएगा देखिए, थ्री की पावर टू टी है ना, यहाँ पे टू टी है ये, थ्री की पावर टू टी, और बट्टे में कितना आएगा देखिएगा, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर प्लस का एट, आठ और चार बारह, बारह में पाँच के सात, तो देखिएगा ये आगे आपका पी आई, इसको इस टर्म को सेपरेट करके मैं अलग ले रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ अलग में, क्योंकि अभी ये थोड़ा और लंबा जाएगा इसीलिए, चलो यहीं पे कर देता हूँ। देखिएगा माइनस का वन अपॉन फाइव, अंदर इसका मल्टीप्लाई होगा वन प्लस का टू टी हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो दो है घात, यहाँ पे एक ही घात है जो एब्सोल्युटली जीरो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना एक है तो टी का हो जाएगा वन का तो जीरो हो जाएगा, टी का हो जाएगा वन और फोर टू या एट, एट अपॉन फाइव आपका आएगा। अब अंदर गुणा गुणा कर लो तो थोड़ा बहुत उसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए थोड़ा सा मैं ऊपर से रफ कर दे रहा हूँ, तभी मैं कह रहा हूँ मेरे साथ साथ नोट करना, ये लंबे क्वेश्चन हैं। तो माइनस का वन अपॉन फाइव, वन प्लस का टू टी प्लस का एट अपॉन फाइव, है ना। तो लासा वासा लेने चाहो लासा वासा ले लो, या ऐसे ही छोड़ दो, तुम्हारी इच्छा है, इतना ही छोड़ दो बहुत है। प्लस में ये और आगे कितना है, प्लस में आगे आपका थ्री की पावर टू टी अपॉन सेवन, थ्री की पावर टू टी अपॉन सेवन। तो भैया ये निकल के आ गया आपका क्या, पी आई आपका निकल करके ये आ गया, ये आपका पी आई आ गया। अगर चाहो तो लासा वासा ले लो, लो भैया ले लो लासा, कितना आ जाएगा यहाँ पर वन अपॉन ट्वेंटी फाइव हो जाएगा, है ना, यहाँ पर हो जाएगा फाइव प्लस का टेन टी, और यह कितना हो जाएगा एट, इनको जोड़ना चाहो उनको ऐड कर दो, तो कितना आएगा माइनस का वन अपॉन ट्वेंटी फाइव टेन टी प्लस का थर्टीन, आई एम राइट। तो आपका जो लासा आएगा भैया वो ले लिवा के आपका जो पी आई आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक। तो देखिए भैया आपका पी आई निकल चुका है, यहाँ पर सी एफ एम यहाँ पर निकाल चुके थे, अब आप सोचोगे जो आपका आंसर आता है वो क्या आता है, वाई बराबर सी एफ प्लस का पी आई। यहाँ पर आपको मैं एक और बारीकी सिखाना चाहता हूँ, अरे भैया हम वैल्यू काहे की निकाल रहे थे x की, तो यहाँ पर जो लासा आएगा, लासा सॉरी, हम वैल्यू करके निकाल रहे थे x की, तो यहाँ पर x की जगह लेंगे सी एफ पी आई, y की जगह नहीं लेंगे, यानी कि x बराबर सी एफ प्लस का पी आई लेंगे यहाँ पर, y बराबर मत कर देना गलत हो जाएगा, ठीक। जब y की निकालेंगे तब y के लिए ऐसा करेंगे, समझ रहे हो ना, तो x बराबर सी एफ प्लस पी आई कर दो, सी एफ वो आया आपका, फटाफट से इनको क्लब कर देते हैं, e की पावर x प्लस का सी टू, e की पावर माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर कर दीजिए, माइनस का वन अपॉइंट फाइव, यहाँ पे भंगा डाल रहा है, इसको रफ कर दे रहा हूँ, है ना, माइनस का वन अपॉन फाइव ट्वेंटी फाइव है यहाँ पे, टेन टी प्लस का थर्टी प्लस का, और यहाँ पे ये कोई रह और गया, यहाँ पे क्या रह गया था, तो गाइस देखिएगा आपकी जो वैल्यू एक्स की वो आप अच्छी से आ चुकी है, देखिए ये रही आपकी एक्स की वैल्यू, कुछ नहीं किया मैंने, सबसे पहला काम देखिए एक बार फिर दोबारा आपको मैं स्लो मोशन में बता दूँ, क्योंकि प्रोसेस थोड़ी सी लॉन्ग है, अभी वाई की वैल्यू हमें और निकालनी है, आधा काम अभी हुआ है हमारा, है ना। देखिएगा सबसे पहला काम, हमें कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन दी होगी, हम उसको पहचानेंगे कैसे भैया, उसमें दो इक्वेशन आपकी दी होंगी, उसमें टी मसाला घुसा हुआ होगा, जिससे आप पहचान लोगे भैया ये साइमल्टेनियस है, हमेशा याद रखेंगे अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन है तो हमेशा हम उसमें क्या करेंगे, हमेशा से एक्स और वाई की दो वैल्यू निकलेंगी हमेशा उसमें, उसकी वैल्यू निकालना बहुत ही जटिल प्रक्रिया आपकी बुक के मेथड से अगर आप देखोगे तो, लेकिन मैं आपके लिए बहुत सिंपल मेथड लेके आया था डेल्टा वाला, है ना। अगर सबसे पहले आपको क्या करना है, डेल्टा का वैल्यू निकालना है, उसके बाद आपको डेल्टा एक्स का निकालना है, उसके बाद आपको डेल्टा वाई का निकालना है, आपको अच्छे से आता है कैसे निकालेंगे, डेल्टा का वैल्यू मिलने के बाद बहुत कहानी इजी रह जाती है, क्या करेंगे देखिए, अगर हमें एक्स का वैल्यू चाहिए तो डेल्टा वाले जो सिंपल डेल्टा आया है उसमें एक्स का गुणा करेंगे, उसको बराबर रखेंगे डेल्टा एक्स वाले मसाले के, ओडी सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, सी एफ और पी आई याद रखेंगे, अगर हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं तो एक्स बराबर सी एफ प्लस पी आई लेंगे, अगर हम वाई की वैल्यू निकाल लें तो वाई बराबर सी एफ प्लस पी आई लेंगे, इस तरह से आपकी दो एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी, वही आपका राइट आंसर होगा और आपके 10 नंबर पक्के, ठीक। वही बढ़ते हैं, एक्स की वैल्यू निकल आइए फटाफट से, वाई की वैल्यू और निकाल लो, तो जब वैल्यू होगी लिख लो फटाफट से, नहीं तो भूल जाएंगे फिर हम, ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ इसको,
ये सब इरेज कर रहा हूँ ठीक। देखिएगा यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं एक्स बराबर माइनस का 1/25 टेन टी प्लस का थाइडीन है ना, प्लस का पहले जी लिखना चाहिए था मुझे, मैंने पहले मैंने पी लिख दिया, कोई बात नहीं है पहले सी एफ लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। लो एक्स बराबर सी वन ई की पावर एक्स प्लस का सी टू ई की पावर माइनस का 5x माइनस का 1/25 टेन प्लस टेन टी प्लस का थाइडीन प्लस का 3/7 ई की पावर 2t आ गई आपके एक्स की वैल्यू। अब भैया मुझे चाहिए y की वैल्यू है ना, तो y के लिए क्या करूँगा आपको याद होगा मैंने यहाँ x के लिए क्या किया था, डेल्टा में मैंने x का गुणा किया, डेल्टा x के बराबर में x के वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, डेल्टा में मैंने x का मल्टीप्लाई किया और मैंने उसको डेल्टा x के बराबर रखा। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, डेल्टा में y का मल्टीप्लाई करूँगा, उसको मैं डेल्टा y के बराबर रख दूंगा ठीक। बस काम खत्म, सब चीज़ आपको आती है, अब जितना मुझे सिखाना था मैंने सीख चुके हो। मेरे वीडियो की स्टार्टिंग की 5 मिनट अगर आपने ले ली तो भैया पूरा वीडियो आपका हो गया, अगर आप 5 मिनट लेट हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। भैया मेरे गुजारे से जो लोग लास्ट में आ रहे हैं कृपया करके वीडियो स्टार्टिंग से देखें, छोड़ के ना भागें। देखिएगा अब मुझे वैल्यू चाहिए वाई की, तो मेरा टारगेट यहाँ पे वाई रहेगा, मैं क्या करूँगा डेल्टा में वाई का मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे क्या मिलेगा डी स्क्वायर प्लस का 4d - 5 इंटू में वाई आ जाएगा है ना। तो वो बहुत सिंपल है, आप निकालना चाहो वाई की वैल्यू डबल डबल बार निकालो या मत निकालो, आपको पता है मुझे भी पता है जो रूट्स आए हैं वो सेम आएंगे, बदलेगा क्या ओनली सी एफ की जगह। देखो भैया वाई की वैल्यू निकालो चाहे मत निकालो, क्योंकि मुझे तो मालूम है ना, क्योंकि देखो एक्स के लिए भी हमें यही सॉल्व करना पड़ा था और वाई के लिए भी यही सॉल्व कर रहे हैं, केवल अंतर सिर्फ इतना होगा हमारा जो पी आई चेंज हो जाएगा सी एफ बराबर आएगा, तो सी एफ मैं इसी का लिख देता हूँ। देखिए भैया मुझे थोड़ी सी मुझे हाथ से मिसप्रिंटिंग हो गई है यहाँ पे, भैया टी कर लेना क्योंकि आपको भैया पता है यहाँ पे टी में कहानी चल रही है, एक्स में नहीं चल रही है। नीचे जो आता है मान लीजिए डी एक्स ओवर डी टी की हमने वैल्यू निकाली, अभी हम निकालने वाले हैं डी वाई ओवर डी टी की, तो ध्यान रखना नीचे अगर टी है तो यहाँ भी टी आएगी, तो मेरे माइंड में तो वही था लेकिन हाथ ने एक्स लिख दिया है, तो कृपया करके इस छोटी सी गलती पर आप लोग सही कर लेना यहाँ पे सी एफ में, यहाँ पे भैया टी कर लेना बस ठीक है, एक्स काट देना। अब वही काम हमें यहाँ भी करना है, तो वही काम लोग दोबारा कर देता हूँ, यहाँ पे वही सेम टू सेम इक्वेशन है, तो आपके रूट आएंगे वही कौन से 1, -5 है ना, तो आपको जो सी एफ आने वाला है वो आएगा, सी एफ कितना आएगा देखिएगा, वही आएगा सेम टू सेम सी वन ई की पावर टी प्लस का सी टू ई की पावर माइनस का 5t है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, मेन दिक्कत आती है पी आई में, बस निकाल लो पी आई बस काम खत्म। तो मैं ऑनली इसका पी आई निकालूँ क्योंकि हम सी एफ निकाल चुके हैं एक्स में पहले ही, ऑनली यहाँ पे हमें केवल ये सिम सिम लिख के दिखा देंगे ठीक, लेकिन पेपर में अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लॉन्ग और हो जाएगा पन्ने भर जाएंगे मुझे क्या ठीक। देखिएगा पी आई की अगर बात करूँ यहाँ पे देखिए कितना आएगा, देखिए 4e की पावर 2t अपॉन में आएगा डी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर प्लस का 4d माइनस का 5 यहाँ पे आएगा प्लस का 3d अपॉन डी स्क्वायर प्लस का 4d माइनस का 5 है ना। क्या करेंगे सिंपल है भैया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यहाँ पे 2 को रिप्लेस करेंगे d की तरफ से, देखिए क्या आएगा e की पावर 2t 2 × 4 प्लस का 4 × 8 माइनस का 5 वही कहानी है। यहाँ पे देखो एक्सपेंशन खोलेगा आपको दिख रहा है, एक्सपेंशन खोल दो यहाँ से, मैं वही काम कर रहा हूँ 1/5 माइनस का मैं कॉमा ले लेता हूँ, देखिए अंदर क्या आएगा, अंदर आपको मिलेगा 3d/1 माइनस का डी स्क्वायर प्लस का 4d/5 है ना। इस पूरे का मैं अगर डी कह रहा हूँ तो फार्मूला मुझे खुल जाएगा 1 - d का इनवर्स, ऊपर जाके खोल देंगे इसको, ये कितना बचता है कि यहाँ पे कितना बचेगा, 8 × 4 = 12 होते हैं, 12 में से 5 = 7 बचेंगे यानी कि 4/7 e की पावर 2t माइनस का 1/5 यहाँ पे कितना आएगा देखिएगा, इसका मैं एक्सप्रेशन खोलूँगा ऊपर ले जा करके, तो कितना खुलेगा 1 + d² / 5 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4d/5 मल्टीप्लाई में 3d। अगर आपको एक्सप्रेशन खोलने नहीं आते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना, अगर आपने मुझसे ओडी नहीं पढ़ी चैप्टर नंबर 5 की तो आपके कम समझ में आएगा ठीक। क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे, 4/7 e की पावर 2t माइनस का 1/5 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3d आ जाएगा है ना, यहाँ पे कितना आएगा ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा देखिए 4 × 3 = 12/5 t का हो जाएगा 1 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक। ठीक है भैया, अब देखो यहाँ पर सी एफ में मिक्स हो रहा है तो सी एफ में यहाँ से रेस कर देता हूँ, आप लोग नोट कर देना ठीक है, आप लोग दिक्कत नहीं कोई क्योंकि मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है ना, इसका एलसीएम वैसे लेकर उसको थोड़ा सा सेट कर लो, कितना आएगा देखिएगा यहाँ पर तो 0 हो ही गया, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे आएगा प्लस 4/7 e की पावर 2t का 3d/5 माइनस का 12/25 इज अ वेरी वेरी करेक्ट पी आई अपन कर करके आ गया। वही पुराना काम वाई बराबर सी एफ प्लस पी आई को क्लब करेंगे इस बार, क्योंकि हम वैल्यू करके निकाल लेते वाई की, तो बस वाई बराबर क्लब कर देंगे सी एफ प्लस का पी आई कर दीजिए, देखिए सी एफ कितना है आपका c1e की पावर t प्लस का c2e की पावर माइनस का 5t माइनस का 1/25
ये क्या है, ये है यहाँ पे तो ठीक है, आगे मान सकते हो 5t, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4/7e^2t, माइनस का 3/5e^t, माइनस का 12/25 द वेरी वेरी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बस भैया एक्स वैल्यू आपका ये आ गया, वाई का आपने निकाल लिया, पेपर में आपको यही करना है बस। मैंने क्या कहा था, एक्स और वाई की वैल्यू आपको मिल जाए वहीं आपका सोल्यूशन होगा ठीक। तो बस आज के छोटे से वीडियो में यही था, इसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस बहुत, बस आपको इसमें यही करना था, अगर आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाते हैं वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होता है। तो बस जैसा कि मैंने आपको बताया था, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में ओनली आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने हैं, वही आपका राइट आंसर है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, आपको कोई डाउट अगर है तो बताएं, नहीं है तो मुझे यस करके जरूर बताएं, जिससे क्या होता है मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो बस आज के छोटे से वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। आज का मेथड थोड़ा सा लॉन्ग था बट बहुत ही ईजी था, अगर आप इसको एक बार करोगे उसी में प्रैक्टिस में आ जाएगा, करके ज़रूर देखना। अपनी बुक के मैं सारे क्वेश्चन व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं ठीक। तो बस मिलते हैं कल, आज की छोटी सी क्लास आपको यहीं फिनिश करते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना। तो बस मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम, तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय एंड टेक केयर।